उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की नवाबगंज तहसील इकाई के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजेश त्रिवेदी ने पत्रकारों को पत्रकारिता से बचकर रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूनियन पत्रकारों के हित में संघर्ष को सदैव तत्पर है। उन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों से अपील की कि आपसी सामंजस्य बनाकर सभी को जोड़कर रखें और सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। संगठन में बड़ी शक्ति है, संगठित रहकर हम किसी भी जाति का मुकाबला कर सकते हैं। कस्बे में सेलिब्रिटी बारात घर रविवार को उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन नवाबगंज तहसील इकाई के अध्यक्ष रियाज अंसारी व उनकी टीम को यूनियन के प्रदेश महामंत्री रमेश शंकर पांडे में पद एवं दायित्वों की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वाले तहसील इकाई के पदाधिकारियों में तहसील उपाध्यक्ष रियाज अंसारी के अलावा डॉक्टर सचिव रियाजुद्दीन अंसारी, नजमुल अंसारी, उपाध्यक्ष सुमित कुमार व नजमी जैदी, कोषाध्यक्ष अनूप गुप्ता, विधि सलाहकार अमन इख्तियार अली व कयूम एडवोकेट थे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेदी ने तहसील इकाई के नवयुवक्त पदाधिकारियों से कहा कि पद मिलने है तो भ्रमित ना हो। जिन लोगों पर पद नहीं है उनका भी अहमियत संगठन में किसी से कम नहीं है। सभी को मिलजुल कर हर लड़ाई में एक दूसरे का साथ देना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। यूनियन की नवगठित इकाई पत्रकारों की समस्याओं के निदान के लिए सदा जागरूक रहेगी। कार्यक्रम में यूनियन के प्रदेश महामंत्री रमेश शंकर पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का इतिहास बहुत पुराना है। संगठन का सन 1950 में प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसका गठन किया गया। इस संगठन के गठन का उद्देश्य मीडिया हाउस द्वारा पत्रकारों पर किया जा रहा उत्पीड़न रोकना रहा। आज यूनियन पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बिना संगठन के कोई कुछ नहीं कर सकता है और पत्रकारों को संगठित होकर ही अपने हकों के लिए लड़ना होगा और इसके लिए संगठन से जुड़े रहना आवश्यक है। संगठन में बड़ी ताकत है। यूनियन के प्रदेश सचिव निर्मल यादव ने नवाबगंज तहसील इकाई को शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारों के हितों के लिए बढ़ चढ़कर संघर्ष करने की अपील करी। यूनियन के बरेली मंडल के अध्यक्ष निर्मल कांत शुक्ल ने कहा कि पूरे मंडल में संघर्ष के रास्ते से उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का वर्चस्व बढ़ा है। इस मंडल में एक नहीं ऐसे अनमोल पत्रकार के उत्पीड़न सामने आए हैं, जिसमें यूनियन के कदम उठाने पर अधिकारियों को झुकना पड़ा है। कार्यक्रम में बरेली के जिलाध्यक्ष शहजाद अली ने नवाबगंज तहसील की इकाई को बधाई देते हुए अपेक्षा की कि आने वाले समय में तहसील इकाई पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष कर एक नया आयाम स्थापित करेगी। समारोह का संचालन कर रहे यूनियन के पीलीभीत जिलाध्यक्ष सुधीर दीक्षित ने कहा कि पत्रकार अपनी जान का जोखिम डालकर कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं। कई बार ऐसा करने से सिस्टम के वह शिकार हो जाते हैं जिनका हमें साथ देना है। समारोह में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश त्रिवेदी ने प्रदेश महामंत्री रमेश शंकर पांडे से विचार विमर्श के बाद प्रदेश सचिव निर्मल यादव को प्रयागराज मंडल प्रभारी का प्रभारी घोषित किया। समारोह में यूनियन के प्रदेश डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, प्रदेश मंत्री रमेश शंकर पांडे, प्रदेश सचिव निर्मल यादव, मंडल अध्यक्ष निर्मल कांत शुक्ला, पीलीभीत के जिला अध्यक्ष सुधीर दीक्षित को बरेली जिला अध्यक्ष शहजाद अली ने माल्यार्पण कर दुशाला उड़ाकर सम्मानित किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने बरेली के ग्रामीण आंचलों से आए सभी पत्रकार का मंच पर बुलाकर मालाएं पहनाकर दुशाला उड़ाकर सम्मानित किया गया। जिला बरेली से संवाददाता खलाक अंसारी की यह रिपोर्ट।